लॉकडाउन ने लोगों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए काम किया है और खाली घर पर बैठे बैठे लोगों ने कुछ ऐसी चीजें बनाकर पेश की हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ ऐसा ही हमीरपुर के फिजिक्स के लेक्चरर विपिन माहिल ने अपनी अंदर छिपी हुई प्रतिभा को रंगों से बयान करते हुए उतारा है और लॉकडाउन में घर में इतनी शानदार पेंटिंग तैयार कर दी जिन्हें देख लोग दंग रह रहे हैं। चाहे लॉकडाउन में अपने घरों को जा रहे लोगों की पेंटिंग हो या फिर सुंदर नजारे की पेंटिंग या फिर लोगों के चित्र बनाना, ये सब विपिन माहिल ने अपने हाथों से इस कदर रंग भरकर तैयार की है जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। आपको बता दें कि विपिन माहिल हमीरपुर के ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिरारड़ी में फिजिक्स के लेक्चरर हैं और 10वीं कक्षा से विपिन माहिल को पेंटिंग का शौक रहा है, लेकिन शौक को पूरा करने के लिए समय के अभाव के चलते ज्यादा पेंटिंग नहीं बना पाए थे। कोरोना बीमारी के चलते लगे हुए लॉकडाउन के दौरान विपिन माहिल ने दर्जनों पेंटिंग बनाकर अपने शौक को जिंदा रखने का काम किया है। ऐसे में लॉकडाउन की स्थिति को बयां करते हुए पेंटिंग को देखकर लॉकडाउन की झलक ताजा हो रही है तो दिलकश नजारों की पेंटिंग देखकर भी दिल झूम उठता है। विपिन माहिल का कहना है कि पेंटिंग बनाने के लिए शौक मन में था और लॉकडाउन के दौरान अपने शौक को पूरा किया है और इसे आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि चित्रों के माध्यम से मन की बातों को उकेर कर रंग भर देते हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा समय का सदुपयोग करें और बेकार न रहें। उन्होंने बताया कि पेंटिंग तैयार करने के लिए 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो जो हमारे हमें जो ड्राइंग की शिक्षा देते थे अध्यापक, ड्राइंग मास्टर जी, तो वो भी इस स्कूल में कभी कभी वो पेंटिंग करते थे, हमको दिखाते थे, करके दिखाते थे। तो उसमें से ही दिल में इच्छा थी कि भी हम इस तरह से जो है कभी हम भी इस तरह की पेंटिंग कर पाएं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब विद्यालय 10वीं से छोड़कर हम चले गए तो पिताजी बाहर सर्विस में थे तो उनके साथ ज़्यादातर पढ़ाई हुई, तो ये मौका नहीं मिला बीच में। लेकिन एक बार जब MSc फाइनल के पेपर मैं कर रहा था तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल और पेपर के बीच में समय मिला, तो विद्यालय में हमारे जो मित्र थे वो फाइन आर्ट की वहाँ कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनसे मुझे को जो इसका जो ये मैट होता है वो मिला, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ट्राई की। तो वहाँ पे फिर लगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर जो एक हॉबी थी उसको निकालने की इच्छा हुई। बीच बीच में ये काम करते रहे। तो इस दौरान जो है वो 1998 में मैं शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के पद पर, लेक्चरर फिजिक्स इसके पद पर मुझे सेवा करने का मौका मिला। फिर हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए, विद्यार्थियों के साथ, परिवार के साथ, कि फिर ये समय इन कामों के लिए नहीं, क्योंकि ये काम ऐसे हैं इनमें समय हमें चाहिए होता है। लेकिन अभी जैसे कि ये आपदा पूरे ना केवल भारतवर्ष में, पूरे संसार में इस तरह की आपदा आई है कि लोगों को कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अपने घरों में रहना पड़ा, तो उसमें जो मानसिक तनाव सबके इस बीमारी से था उसको दूर करने के लिए लोगों ने अलग अलग, कई किसी ने संगीत, किसी ने जो भी अपनी उनकी हॉबी रही थी उनको पूरा करने की कोशिश की। तो मुझे भी लगा क्योंकि मेरे पास समय अब था, तो और जो थोड़ा बहुत सामान था उसको इकट्ठा करके मैंने भी थोड़ा कोशिश की। तो इस दौरान जो है वो 3-4 ये पेंटिंग जो है वो बनाई, तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा है। बीच में भी करते रहे जब जब समय मिला, तो उससे थोड़ा मानसिक संतुष्टि मिलती है और दूसरा कि एक पॉजिटिविटी आती है। और जो आप एक कला के माध्यम से जो है समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उस सारी पहलुओं को जो है उजागर कर सकते हैं। उसी के तहत मैंने ये जो लॉकडाउन चला था, बीच में जितने भी जो हमारे बंधु अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे तो वहाँ उनको समस्याएं आई और हर एक की इच्छा रही कि अपने घर की तरफ को कैसे न कैसे पहुँचें। तो जो उनका एक छायाचित्रण जो है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि कैसे बच्चों को साथ में उठाए हुए, सिर पे सारा सामान उठाए हुए, उसमें ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी। तो इस तरह से जो है कला के माध्यम से भी हम सामाजिक जो समस्या है उनको उठा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो मैं कहना चाहूँगा, मुझे जो ये कला है इसको थोड़ा दिखाने का जो मौका मिला तो वो लॉकडाउन में जो समय मिला उसकी वजह से। अदरवाइज तो इतनी हमारी व्यस्तता रहती है सभी की, आप भी जानते हैं कि इन कामों के लिए समय जो है वो कम मिलता है। जहाँ तक एक पेंटिंग की बात है तो इसमें क्योंकि लगातार तो काम नहीं होता है, थोड़ा इसमें काम करके छोड़ना पड़ता है, तो 10 से 15 दिन जो है वो एक फाइनल करने के लिए लग जाते हैं। मतलब उसमें 1 घंटे की सीटिंग ले लो। लेकिन कई बार क्या होता है जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो मुझे फिर
कब 1-2-3 घंटे चलेंगे पता नहीं चलता, एक तरह से मेडिटेशन का भी कार्य ये करती है मेरे लिए। तो जहाँ तक लेक्चरर की बात है तो उसमें तो विद्यालय में हम शत प्रतिशत देने की कोशिश करते हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक अध्यापक का कार्य करने का मौका मिला, और हम अपना शत प्रतिशत देने की कोशिश भी करते हैं। अभी भी हम लॉकडाउन में जो है विद्यार्थियों के लिए हमेशा ही तत्पर रहे हैं। वो एक जॉब से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पे भी एक हॉबी है टीचिंग करना जो है, लेकिन ये जो है एक उसके एडिशनल एक हॉबी है जिसमें हम अपने मन की जो जो भी चीज़ हम व्यक्त करना चाहते हैं तो चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, और थोड़ा इससे मुझे मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, मतलब एक आनंद भी फील होता है कि जब मैं इस तरह से कोई क्रिएटिव कार्य करता हूँ। तो विद्यालय के साथ वो तो एक अपना फील्ड है, यहाँ पे भी एक हॉबी को उजागर करने का एक मौका मिलता है। आज के जो युवा पीढ़ी है तो जैसे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लाइन में डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन में ही होड़ बनी हुई है कि हम उधर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। भारत जो हमारा भारतवर्ष है इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं तो अपने जो हमें जो विद्यार्थी हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे स्किल से डेवलप जो है कार्य करें, छोटे छोटे कार्य। आजकल जैसे अब लॉकडाउन की स्थिति में तो सबको अपनी अपनी स्थिति पता चल गई, तो इसमें छोटे मोटे कार्य भी कर सकते हैं, लघु उद्योग लगा सकते हैं आप, कोई मैकेनिकल साइड से काम कर सकते हैं आप, जॉब लेने की अपेक्षा जॉब देने वाले बने, ऐसा कुछ कार्य करें। जहाँ तक ये हॉबीज की बात है तो उनको साथ साथ चलाए रखना चाहिए, एक अच्छे इंसान के लिए ठीक रहता है। एग्जीबिशन का विचार कभी मन में आया नहीं, क्योंकि ये तो मैं अपनी एक अपनी संतुष्टि के लिए ये कार्य करता हूँ, जैसे आपने भी आग्रह किया था तब, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं कहीं इसको एग्जीबिट करूँ या इसकी कोई यहाँ से जैसे एग्जीबिशन में इसकी सेल करते हैं, ऐसा कोई भी मन में नहीं है। ये तो जब भी मौका मिलता है एक नई क्रिएटिविटी करने को दिल करता है तो 10-15 दिन जो है उसमें चले जाते हैं ये तो। और मैं आपको सच बताऊं कि पिछले कई सालों से 10-12 सालों से टाइम ही नहीं लगा, समय ही नहीं लगा, क्योंकि हम अपने जो हमारा स्कूल का भी दायित्व रहता है और भी सामाजिक दायित्व हैं उसमें इतने उलझे रहते हैं कि समय जो है वो निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ा समय मिला तो एक उस समय का मैंने थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जहाँ तक फ्रेंड सर्कल की बात है, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया है तो कभी कभी सोशल मीडिया पे मैं ये पोस्ट कर देता हूँ तो वहाँ से अच्छा उनका रिस्पांस आता है। बाकी शुरू शुरू में तो कोई इस तरह से पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन अब सोशल मीडिया से जाता है तो मित्र थोड़ा अचंभित होते हैं कि आप एक फिजिक्स के प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, साइंस रिलेटेड है और ये कला का विषय अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे बीच में एक कोई हॉबी या क्वालिटी रही होगी तो उसको कहीं ना कहीं वो निकली आती है, चाहे कोई संगीत है चाहे इस तरह से, तो वो इस तरह से वो निकली है तो बस इस तरह समझो। विपिन की पत्नी अंजना का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान पेंटिंग बनाई है और कुछ पेंटिंग लॉकडाउन में स्थिति को लेकर तैयार की है तो कुछ पेंटिंग पुरानी संस्कृति को लेकर बनाई है। हाँ, बहुत अच्छे बनाते थे और इन्होंने लॉकडाउन में मैंने इनको बोला कि मेरी पेंटिंग बनाओ और इन्होंने बनाई, इनको समय मिल गया उसमें इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इसके अलावा और भी कोई पेंटिंग्स बनाई है इन्होंने? हाँ जी, बहुत सारी बनाई हैं। और पहले समय नहीं लगता था, अब लॉकडाउन में थोड़ा टाइम मिल गया इनको तो इसलिए इन्होंने बना दिया।